एक सब बना लें ऑब्जेक्ट। मैं आप लोगों को जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? मैं पढ़ा दिया, फिल्टर पढ़ा दिया, है मैं आपको जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन दूंगा, ठीक है ना, जिसमें कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले एक बना लो फाइल, मैप देख लिया, फिल्टर देख लिया, फिल्टर कैसे काम करता है आप लोगों ने देख लिया था मैप और फिल्टर सब लोग। अब एक फाइल बना लो, लास्ट लास्ट रिड्यूस के नाम से एक फाइल बना लो। पहले ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट का काम बाद में कर लेंगे, पहले एक बना लो फाइल रिड्यूस मेथड, एक बचा है। सर, ये मैप और फिल्टर का अहमियत है एक बार बता देना। लास्ट वाली क्लास में थे ये, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा उसके बाद देख लेना, ठीक है? अब लास्ट वाला वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया, मैं अभी अपलोड कर दूंगा मैप वाला और ये फिल्टर वाला दोनों, ठीक है? इसका वीडियो हाँ सर, अपलोड, मैंने तो लास्ट वाली क्लास के लिए थी। हाँ लास्ट वाली क्लास का मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा तो वो आप देख लेना एक बार, ठीक है? सुना गया? तो हाँ, तो एक रिड्यूस बना लो। रिड्यूस मेथड क्या होता है? एक बताना है रिड्यूस के नाम से। मैं अभी कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस दूंगा और उनको एक बार समझाऊंगा भी, जावा स्क्रिप्ट के जो कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं ना वो एक बार मैं खुद रिवीजन कराऊंगा। जैसे फिल्टर होता है, रिड्यूस होता है, मैप होते हैं, ठीक है, कॉल बैक होते हैं, ठीक है, कुछ सर, इंटरव्यू के ऑब्जेक्ट दस वाले में क्या बार करना है? नहीं, अभी अभी जी बना दो फाइल वाली रिड्यूस नाम से। अभी उस पर आते हैं। एरो फंक्शंस पढ़ाया था लास्ट क्लास में, आप लोगों को पढ़ाया लास्ट वाली, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, आप एक बार देख लेना, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे हमने एक बनाया, यहाँ पे सब देखो सिंपल सा एक है, एक एरे बनाया, दिख रहा है मेरा एक एरे यहाँ पे सबको, एक एरे सबने पढ़ाया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक बनाया रिड्यूस फंक्शन। मैं अगर थोड़ा इसको कमेंट कर दूँ, थोड़ा आपके यहाँ लिख दूँ ऐसे, देखो कॉन्स्ट ए इक्वल टू, तो एरे डॉट रिड्यूस, ठीक है? रिड्यूस नाम का फंक्शन होता है, ठीक है? तो दिख रहा है ना, इसके अंदर कॉल बैक देना पड़ता है, दिख रहा है? दो पैरामीटर पास करने पड़ते हैं, ठीक है? तो हमने क्या किया, जो इसमें था ना एरे में, वो अपन ने किस में रख दिया, रिड्यूस के अंदर। अब ये रिड्यूस के अंदर हमने एक कॉल बैक फंक्शन बनाया, देखो फंक्शन के अंदर हमने एक फंक्शन और कॉल किया, ठीक है? अब लिखा है देखो करेंट वैल्यू, दिख रहा है ना, करेंट वैल्यू और करेंट इंडेक्स, हमें दो चीज रखनी होती है। तो मैं लिख दिया एक H1, रख दिया इसमें H2, ठीक है? मुझे लगा दी मैंने यहाँ पे एरो फंक्शन, इस तरीके से सिखाया था ना लास्ट क्लास में, एरो फंक्शन सबको मैंने सिखाया था, ठीक है? और ये हमें क्या कर देगा, रिटर्न, रिटर्न अगर मैं कंसोल करूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और लिखूँ यहाँ पे H1, ठीक है? तो अभी देखो मुझे यहाँ पे H1 में क्या मिल रहा है, इंस्पेक्ट किया, कंसोल किया, अभी यहां पे क्या आ रहा है, देखो बना रहा है ये, ठीक है? अब मैंने क्या किया यहां पे, इस तरीके से प्रिंट कराया मैंने H2, और मैंने ये फंक्शन कॉल तो की नहीं, कंसोल डॉट लॉग के अंदर रिफ्रेश किया, देखो क्यों
एक मिनट थोड़ा मैं सही करना पड़ेगा, रिटर्न एच वन दस के एस देखो आ गया टोटल आ गया। देखो बताओ 16 आउटपुट क्या आ रहा जानते हो कि बताया गया 16 आउटपुट क्या आया ये मेरी वॉइस आ रही है सर सबको ऐड कर दिया है। हाँ टोटल टोटल कितना बचा 16 ही हो रहा है लिया सब लोग। हमने क्या किया एक बनाया रिड्यूस फंक्शन इसके अंदर हमने दो कॉल पैरामीटर पास कर लिए ठीक है एच वन एक एस टू और मैं रिटर्न में क्या कर दिया इनको प्लस कर दिया। अब रिटर्न होगा तो वापस से किसके पास आ जाएगा लौट के इसी के पास तो आएगा है ना। और अकेला मैं इतना प्रिंट कराना चाहूँ तो एच वन तो क्या आउटपुट आएगा देखो तो क्या आया अकेला वन आया देखो दिख रहा है वन अकेला। और यहां पर अगर एच टू प्रिंट कराऊं तो भी क्या आ रहा है वन आ रहा है देखो आ रहा है ठीक है। मुझे क्या करना है इस एरे को सम करना है तो मैंने क्या लिखा एच वन प्लस के एच टू और प्रिंट कर दिया सम हो गया। इसका काम क्या है एडिशन। अब देखो मैंने यहां पे कर दिया माइनस होगा क्या कुछ बताओ माइनस चलता है क्या देखो माइनस चलेगा क्या इसमें क्या देखो क्या आउटपुट आ गया इसमें माइनस के 14 दिख रहा है आप लोगों को ठीक है। मेन काम यहां पे हम क्या करेंगे यूजर फंक्शन के अंदर इसका एरे को जोड़ेंगे टोटल देखो ठीक है। मेन काम इसका क्या है रिड्यूसर का एरे को जोड़ना ठीक है नोट कर लो इसको। सब नोट कर लें नोट हो गया यस सर हो गया। अब बनाओ एक फाइल सब लोग ऑब्जेक्ट के नाम से ऑब्जेक्ट याद है स्टार्टिंग पढ़ाया था मुझे वाला टॉपिक आप लोगों को कुछ याद आया याद आ रहा है एक ए नाम का हमने बनाया था एक ऑब्जेक्ट ए नाम का बनाया था हमने एक ऑब्जेक्ट सिखाया था सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ऑब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ठीक है। देखो मतलब ऑब्जेक्ट एक तरह का एरे का एडवांस वर्जन है एडवांस पार्ट एरे का ठीक है। तो सबको याद होगा यहाँ पे ए नाम का एक ऑब्जेक्ट है ये इसकी क्या होती है प्रॉपर्टी होती है याद है सबको कि भूल गए इसकी प्रॉपर्टी है। और आपको यही पता होगा कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना भी डेटा स्टोर कर सकते हैं किसी भी टाइप का देखो ये प्रॉपर्टी है ये देखो एक एरे है देखो ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एक और ऑब्जेक्ट स्टोर कर लिया हमारा पूरा मोंगो डीबी इसी पर डिपेंड है हमारा पूरा मोंगो डीबी
इसी ऑब्जेक्ट पे ही डिपेंड है, ध्यान रखना। ये पढ़ोगे ना आगे चल के मोंगड़ी भी इसी पे डिपेंड है। तो ए नाम का एक ऑब्जेक्ट है, ये इसकी पहचान है, ठीक है। इसके अंदर ये इसकी प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की, जो इसकी क्या है प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट के अंदर कितना भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पे हमने एक एरे भी स्टोर कर लिया, दिख रहा है, और हमने ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट को भी स्टोर कर लिया। हमने इसके अंदर देखो फंक्शंस भी स्टोर कर रखे हैं, आप देख पा रहे हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर हमने फंक्शन को भी स्टोर कर रखा है। देखो ए नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर कितना डेटा स्टोर कर लिया, एक एरे को भी, एक ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट को भी, एक फंक्शन को भी, ठीक है। दो फंक्शन कर रखे हैं, मगर एक बात आप सबको याद होगी कि हम ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ब्राउजर पे प्रिंट नहीं कर सकते। देखो मैंने अब लिखा ए, मैं इसको प्रिंट करने जा रहा हूं डायरेक्ट, आउटपुट रन किया, ओपन दे लाइव सर्वर। देखो याद आया कुछ आप लोगों को, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा? अंकुश बाकी लोगों को स्टार्टिंग बताया था, डेट ऐप सिखाए थे आप लोगों को मैंने, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? हेलो आ रही सर? यस सर आ रही। बताओ ना, हमने सीखा था ना कि हम ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ब्राउजर पे प्रिंट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ए नाम का एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट ब्राउजर पे प्रिंट नहीं कर सकते, है ना, याद है ना। तो अगर हमें ये नाम प्रिंट करना हो, तो ये नाम प्रिंट करना हो तो कैसे प्रिंट करते हैं, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे? हाँ कंसोल में अपन प्रिंट करा सकते हैं। आप कंसोल में प्रिंट करा सकते हैं पूरे ऑब्जेक्ट को। मैं कंसोल में आऊं तो हम कंसोल में हम इस पूरे ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर सकते हैं। देखो देखो दिख रहा है ऑब्जेक्ट, देखो देख पा रहे हैं, एज, ईमेल, फेवरेट मूवी, दिख रहा है सब, देख लो इसको अपनी आंखों में कैद कर लो इस ऑब्जेक्ट को, क्योंकि इसको आप बहुत बार देखने वाले हो, इन ऑब्जेक्ट को आप बहुत बार देखने वाले हैं आगे चल के। हम ऑब्जेक्ट को कंसोल में प्रिंट करा सकते हैं, मगर ब्राउजर पे डायरेक्ट प्रिंट नहीं कर सकते, ठीक है। आप सब देख ले, दिख रहा है ना पूरा ऑब्जेक्ट। अब तुमने कहा कि यार हमें नेम प्रिंट कराना है ब्राउजर पे, एफ नेम, तो आप कैसे प्रिंट कराओगे? सिंपल लिखोगे यहाँ पे ए डॉट एफ नेम, ऐसे करके ए डॉट एफ नेम इस तरीके से, एफ नेम है ना, प्रिंट हो गया विकास, दिख रहा है। इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो। आपने कहा कि ये मुझे एरे कॉल करना है, एरे, तो आप कैसे कॉल करोगे? ए डॉट यहां पे एरे का साइन लगा, एरे कॉल कर, इस तरीके से कॉल हो गया। मतलब आप सोचो कि मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ब्राउजर प्रिंट कर लूं, तो आप नहीं कर सकते, ठीक है, समझ आ गया। फंक्शन प्रिंट करना है तो इस तरीके से प्रिंट करोगे, ठीक है, ए डॉट सैलरी इस तरीके से, तो ये देखो फंक्शन आपका प्रिंट हो जाएगा। देखो हो गया 2500, हो गया प्रिंट 25000, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो। अब तुम चाहते हो कि नहीं यार हमें प्रिंट कराना ही है ब्राउजर पे, ब्राउजर दिखाओ प्रिंट करा के पूरा, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? आपको ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना होगा फिर सुन लो सब लोग,
कोई आपसे पूछता है कि ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो आप किसका यूज करोगे? जेसन स्ट्रिंगिफाई का। ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? जेसन स्ट्रिंगिफाई का। देखो पूरा प्रिंट हो गया, देखो आपको, देखो सब पे डबल कोट के साइन लग के आ गए, सब पे देखो स्ट्रिंग का साइन लग के आ गया, देखो स्ट्रिंग का साइन लग के आ गया, देखो स्ट्रिंग का साइन लग के आ गया, दिख रहा है सबको स्ट्रिंग का साइन। तो कोई आपसे इंटरव्यू पूछेगा, आगे चल के मैं ही पूछूंगा कि ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो आप क्या बोलोगे? जेसन स्ट्रिंगिफाई का यूज करके हम ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। आगे बात समझे, ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए अपन किसका यूज करेंगे? जेसन स्ट्रिंगिफाई का, याद रखना। अब एक चीज देखो, अब मैंने कहा कि मुझे ये वाला फंक्शन कॉल करना है, ये वाला फंक्शन, तो अपन क्या लिखेंगे यहां पे? ऐसे लिखेंगे फुल नेम, इस तरीके से, है ना, ये फुल नेम, ए डॉट फुल नेम। तो क्या प्रिंट होगा रिटर्न में? मुझे क्या दे देगा ये? राज दे देगा। देखो सब लोग यहां पे राज मिल गया, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? समझ में आ रहा है इतना? समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है समझ में। बाकी लोगों को, हमें ये फंक्शन कॉल करना था फुल नेम नाम का, तो मैं ऐसे ही लिखूंगा एडर फुल नेम, है ना। तो अब जो फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, रिटर्न में क्या कर रहा है? एफ नेम, एफ नेम में क्या है? राज है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसमें राज आ जाएगा ना फुल नेम के पास, तो आउटपुट आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये आप पॉइंट ऑफ समझ लो, मैं चाहता हूं कि जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, ये सब लोग, ये है ना एफ नेम, मैं एफ नेम की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहता हूँ फंक्शन के अंदर। समझ आ रहा है जी? एफ नेम है ना, एफ नेम, इसको प्रिंट कराना चाहता हूं इस फंक्शन के अंदर। तो किसका यूज करना पड़ेगा यहां पे? दिस का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? दिस कीवर्ड का। अब देखो आउटपुट विकास प्रिंट हो गया, दिख रहा है ना। अगर किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को, ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को अगर हमें इसी फंक्शन के अंदर प्रिंट करना है, तो किसका यूज करना पड़ेगा आपको? दिस कीवर्ड का। अब देखो, अब इसको प्रिंट नहीं करेगा ये एफ नेम को, अब इस एफ नेम को प्रिंट नहीं कर रहा, अब दिस लग गया ना, तो अब कौन सा प्रिंट कर रहा है? ये वाला एफ नेम प्रिंट कर रहा है। देखो आप ऑटो नेम कर रहा है प्रिंट, आ रहा है स्वयं सबको? मैं ये ग्रुप में दे रहा हूं कोड, यहां से आप ले लो। हेलो, ग्रुप से लेके चला के देखें आप लोग,
सब चला के देख ले वहां से कोड से। सर एक बार फिर से बता दीजिए आप। ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? जेसन स्ट्रिंगिफाई का, ठीक है। सिंपल एक बार फिर देख लो, ये क्या है कि मैं अलग से समझा देता हूँ। देखो देखो सब लोग अलग से समझा रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो लिखा स्क्रिप्ट मैंने बनाया यहाँ पे कॉन्स्ट डेटा नाम का, देखो दिख रहा है ना, हमने एक बनाया ऑब्जेक्ट, इसको अपन क्या बोलते हैं? ओ वी जे ई सी टी ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर लिखा नेम, अपने क्या लिखा ऑब्जेक्ट की, मैंने कुछ प्रॉपर्टी लिखी देखा यहाँ पर नेम, ये नेम क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है राम, लिखा मैंने कॉमा सिटी ग्वालियर फोन 1 2 3 और ठीक है। जब ने क्या बनाया, एक बनाया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसको मैं डायरेक्ट ब्राउजर प्रिंट करना चाहूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए, ठीक है। देखो रन किया, सॉरी ए नहीं आएगा, डेटा आएगा, डेटा आया प्रिंट किया, देखो तो क्या आउटपुट आया, दिख रहा है ना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आप डायरेक्ट ब्राउजर पे प्रिंट नहीं कर सकते, तो आप, अब मैंने कहा मुझे नेम प्रिंट करना है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे एफ डेटा डॉट नेम, देखो नेम प्रिंट हो जाएगा, नेम प्रिंट हो गया। इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो। अब तुम चाहते हो नहीं भाई पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तब हम क्या यूज करना पड़ेगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, इसका काम क्या है, ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना, ठीक है, स्ट्रिंग में। देखो प्रिंट हो गया पूरा ऑब्जेक्ट, देखो सब पे लग के आ गया डबल कोट के साइन, स्ट्रिंग में देखो स्ट्रिंग में क्या पहचान होती है, सब पे डबल कोट के साइन लग जाते हैं, दिख रहा है। हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में, किसका यूज करके, जेसन स्ट्रिंगिफाई का। अब तो बनाया, एक बनाया फंक्शन यहाँ पे टीम नेम का, एफ यू एन सी टी फंक्शन, फंक्शन का साइन, और ये कॉमा लगाना जरूरी होता है, ये कॉमा लगाना, जब मैं कॉमा लगा रहा हूँ ना, ये कॉमा लगाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब रिटर्न कर दी मैंने यहाँ पे क्या, नेम को, ठीक है, तो मैं लिख दिया यहाँ पे नेम इक्वल टू राज, ठीक है। हमने बनाया एक फंक्शन आया टीम नाम का, वो फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, नेम। अब इस फंक्शन को अपन यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, नीचे आकर अच्छे समझ आना चाहिए आप लोगों को, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर टीम, तो अभी टीम के पास आउटपुट क्या आएगा, आएगा राज, क्या हो गया बड़ी टीम, अच्छा अच्छा वो लगाना पड़ेगा ना मुझे, डेटा डेटा लगाना पड़ेगा ना, डेटा डॉट टीम है ना, देखो राज आ गया। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये वाला नेम प्रिंट हो, समझ में आ रहा है, ये वाला नेम प्रिंट हो, ऑब्जेक्ट का नेम प्रिंट हो,
तो अपन क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे दिस। अब दिस क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट के नेम को प्रिंट करा देगा। देखो राम प्रिंट हो गया, अब समझ में आ गया कैसे काम कर रहा है। सब लोगों को अब समझ में आ गया ऑब्जेक्ट क्या होता है। यस सर। अब इसको नोट कर लो, इसको अलग से नोट कर लो तो थोड़ा समझ में आ जाएगा अच्छे से। सब नोट कर लो। नोट हो जाए बता देना। सर हो गया नोट। अब समझ आ गया। सबका नोट हो गया? हाँ सर हो गया। अब क्लियर हो गया ना ऑब्जेक्ट क्या होता है, किस तरीके से ऑब्जेक्ट काम करता है? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक बनाओ फाइल, अभी आगे चल के सब यूज में आएंगे सारी चीजें ना। अभी देखो अब बनाओ फाइल स्ट्रिंग मेथड नाम से, स्ट्रिंग मेथड, ठीक है। देखो ये सारे होते हैं,
देखो पहला स्ट्रिंग मेथड क्या करेगा, लेंथ निकालेगा, फिर लोअर केस अपर केस इंक्लूड, इंक्लूड जानते हो ना क्या करता है, चेक करेगा इसमें है कि नहीं है, स्टार्ट स्टार्टिंग का चेक करेगा, एंड में एंड सर्च करेगा, मैच करेगा, इंडेक्स ऑफ रिप्लेस करेगा ना, ये मैं ग्रुप में दे रहा हूँ आप लोग चला के देख लेना, ये बेसिक से हैं, आप लोग एक एक चला के देख लेना है ना, मैं ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ आप एक एक चला के देख लेना इसको। ग्रुप में दिया है आप चला के देख लो। हो गया नोट, ग्रुप से ले लें आप लोग, ग्रुप से हो गया सबका नोट? यस सर। एक बनाओ फाइल एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, एक बनाए सब लोग फाइल एरे ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट एचटीएमएल, फाइल सब लोग एरे ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट एचटीएमएल। बन गई फाइल, आप सब देखो, अब देखो हमने एक एरे बनाया, सब देखो एक एरे बनाया और इस एरे के अंदर ये क्या बने हुए हैं, सारे क्या बने हैं ऑब्जेक्ट, देख रहे हैं ना, हम इसका यूज बहुत करते हैं एरे के अंदर ऑब्जेक्ट बनाना इस तरीके से, और कंसोल में प्रिंट कराया मैंने, देखो दिखाता हूँ लोगों को, आगे चल के सब यूज होते हैं प्रोजेक्ट में हर चीज में। देखो दिख रहा है अरे तीन, देखो दिख रहा है तीन अरे, देखो दिख रहा है अरे के अंदर ऑब्जेक्ट, जीरो के अंदर देखो नहीं ऑब्जेक्ट, देख रहा है इस तरीके से एरे के अंदर बने देखो ऑब्जेक्ट, जीरो का जीरो पे ऑब्जेक्ट, वन पे ऑब्जेक्ट, टू पे ऑब्जेक्ट, देख पा रहे हो ना, तो इसको अपन क्या कहते हैं आगे चल के ऐसे अपन यूज करते हैं कि हमें एरे के अंदर ऑब्जेक्ट बनाने होते हैं इस तरीके से, ठीक है ना, और फिर इसको अपन फॉर लूप से प्रिंट करा लेते हैं ब्राउज़र, फॉर लूप लगा के इस तरीके से प्रिंट हो जाएंगे, राम 15, करण 13, राहुल 14 प्रिंट हो गया, देखो राम प्रिंट हो गया और इसकी एज प्रिंट करा दी, देखो फॉर लूप लगा दिया, ए में जीरो कर दिया, अगर ए छोटा है किससे, स्टूडेंट लेंथ से, ठीक है स्टूडेंट की जो लेंथ है उससे छोटा है तो ये फंक्शन चलेगा, फिर प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे ए पे, नेम प्रिंट हो जाएगा, एज प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, और फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा तीन बार, जीरो वन टू थ्री बार है ना,
सब नोट कर लें। सर समझ में नहीं आ रहा है। फॉलो पड़े हैं? हाँ सर नहीं नहीं पड़े शायद उन्होंने। ये इतना तो क्लियर है कंसोल तक? हाँ इतना तो क्लियर। तो अब देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए जीरो, तो ए कितना यहाँ पे जीरो है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या लगा, अगर ए छोटा है किससे, स्टूडेंट की लेंथ से, स्टूडेंट लेंथ तो बड़ी है ना, दिख रहा है ना। अगर मैं डॉट लेंथ निकालू अभी इसकी कंसोल में तो कितनी आती है, स्पेक्ट किया कंसोल किया, देखो थ्री आ रही लेंथ, आ रही कि नहीं आ रही है ना, गिन लो वन टू थ्री आ रही लेंथ। एरे की लेंथ भी कितनी है, थ्री है, ठीक है ना। तो अब हमने यहाँ पे अब हमने इसमें क्या लिखा, अब ये लूप कब तक चलेगा, देखो यहाँ पे जीरो है ना, यहाँ तो जीरो हो गया ना। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ ऐसे कुछ वेर एज इक्वल टू जीरो और ए कितना है यहाँ पे जीरो, छोटा है थ्री से, सही बात है, तो ए इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये तो करनी चलेगी। तो ये लूप कितनी बार चलेगा, समझ आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, कंडीशन ट्रू हो गई वाली, अंदर आ गया। अब स्टूडेंट की ए पर, ठीक है जी, ए ना ए, अब जीरो पे क्या है, नेम पर जीरो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक जगह क्या होगा, बाइट पहले जीरो होगा ना, जीरो जीरो डॉट नेम पे क्या है, राम है ना, तो राम प्रिंट करेगा यहाँ पे, जीरो पे क्या है, एज प्रिंट करेगा, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा, अब वन हो गया। अब यहाँ पे एक वैल्यू कितनी हो गई, वन हो गई ना, अब यहाँ पे कितना हो गया, वन हो गया ना, वन पे क्या है करण है, यहाँ पे वन पे क्या है तेरा है, अब फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा ये, अब यहाँ पे कितना हो गया, टू गया ना, यही चलेगा चलेगा नोट करो। अबे जीरो आ रहा होगा ना, जीरो पे तो नेम ही प्रिंट होगा ना, नोट करो सब लोग। फाइल डेट डॉट एस टी एम एल, बनगी फाइल डेट डॉट एस टी एम एल नाम से, अब देखो सब लोग सब यहाँ देखें, देखो हमने क्या लिखा यहाँ पे न्यू डेट, ठीक है। अब इसको देखो प्रिंट करता हूँ, ये सब प्रिंट करने के तरीके होते हैं डेट को, डेट क्या होता है, ये सब प्रिंट कराने के तरीके होते हैं ना। दो प्रिंट हो गया 28, दिख रहा है 28, करो। अब देखो ये सारे तरीके हैं प्रिंट कराने के, ठीक है, ये सारे क्या हैं, तरीके होते हैं प्रिंट कराने के डेट को। तुमने कहा नाउ टू डॉट स्ट्रिंग, देखो इस तरीके से आ जाएगा, ट्यूजडे जनवरी 5, तो सर आ रहा नहीं आ रहा वैसे, जी लिखा था अपने, ये लिखा ना, ये प्रिंट होके आ गया, ये लिखा ना अपने, ये प्रिंट होके आ गया था, ठीक है। इसको बंद किया, ये बंद किया। अब देखो इसमें क्या आएगा, गेट फुल ईयर, इसमें क्या आ जाएगा, पूरा इसका ईयर आ जाएगा, देखो ये दिख रहा है। अब इसमें क्या आएगा, इसका मंथ आएगा, इसमें क्या आएगा,
डेट आएगा, इसमें क्या आएगा आवर्स आएगा, ठीक है। ऐसे करके चेक लेना आप लोग, देखो ठीक है, इस तरीके से आप लोग चला के देख लेना, समझ आ रहा है सबको? देखो इसके फॉर्मेट है, फॉर्मेट डेट के, देखो थर्सडे मार्च 28, 2024 है ना, ये पूरा प्रिंट हो गया, आ गया। नाउ टू डेट स्ट्रिंग, पहले ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा इतना, ये ठीक है, तब ये चलेंगे इतने, ठीक है। ये मैं ग्रुप में दे देता हूँ, सब नोट कर लो। कर लिया? यस सर। ठीक है।